सावन का महीना सोमवार से शुरू हो गया है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब सावन का महीना सोमवार से ही शुरू हुआ है। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त भगवान शिव की गंगा जल दूध दही और बेलपत्र से पूजा कर सुख शांति की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार की कनखल नगरी भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कनखल में निवास करते हैं। वे यही ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने स्वयं राजा दक्ष को कनखल के दक्ष मंदिर में निवास करने का आशीर्वाद दिया था। यही वजह है कि यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। श्रावण मास के आज सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन मृत्यु व्याधि पीड़ितम गर्भवंदने। भगवान श्री कालों के महाकाल श्री दरिद्र मंजन महादेव सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले श्रावण मास का प्रारंभ आज प्रथम सोमवार से शुरू हो गया है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हमारा मान से और श्रद्धा से भाव से भगवान शिव का पूजन करेंगे। दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत से भगवान का जो शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, उनकी सभी मनोकामना को भोलेनाथ पूरी करेंगे। और ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों में कि भगवान शिव पुराण में कहा है कि श्रावण मास से भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति महादेव को संकल्प दिया था कि श्रावण मास में एक महीना जब तक श्रावण मास है प्रतिपदा से लेकर और पूर्णमासी तक भगवान शिव भगवान दक्ष राजा प्रजापति के निवास पर स्नान करेंगे और सभी भगवानों सभी की अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और इच्छित वरदान प्राप्त करेंगे। सभी भक्तों का तांता लगा हुआ, देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। सोमवार का प्रथम दिवस भगवान श्रद्धा और भाव है और आज से ही महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव का ये ससुराल है। श्रावण के मास में भगवान शिव ने अपने सास ससुर को ये वरदान दिया था देवी देवताओं को, श्रावण के महीने में मैं यही कनखल में अपने ससुराल में ही निवास करूँगा। तो श्रावण के महीने में भगवान शिव यही अपने ससुराल में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को दक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे गंगा जल दूध दही शहद चूरा इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। महादेव मंदिर पहली बार पहुँच करके बहुत हर्ष उल्लास महसूस कर रही हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुख और शांति का अनुभव हुआ। शिव जी का वो रूप देख करके तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अंधतूरा चावल तिल दूध गंगा जल और क्या देंगे हम उनको, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। जो कुछ भी है मेरे पास सब उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको क्या ही देंगे। वो हमें आशीर्वाद दें, मेरे नगरी में पधारें, मेरी यही इच्छा है। सावन को पूरे मास आती हूँ, हम यहीं के रहने वाले हैं और पूरे सावन हम यहाँ पे दक्ष मंदिर पे आते हैं जल चढ़ाने के लिए। भोले बाबा को जल चढ़ाया और चावल दूध फूल और सब कामना, मैं कभी कुछ मांगती नहीं, बस सर झुका के जाते हैं। हरिद्वार से आए कनखन भोले जी ससुराल में आए और जल चढ़ाना आए और पूजा पाठ करने आए यहाँ पे और भोले बाबा की कृपा इसलिए सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। आज सावन का पहला सोमवार है, पहला दिन है और पहला ही सोमवार है आज। आज भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे।